डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। इफ वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट्स 0.1% लॉन्गर, इट इज रेजिस्टेंस विल बी। तो हमें क्वेश्चन में यहां पर अगर वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ 0.1% बढ़ा दें तो ये परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ हमें गिवेन है डेल्टा एल बाई एल इंटू 100.1% इंक्रीजिंग लेंथ है ना, इतने परसेंट। इट्स रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा ये पूछ रहा है। देखो लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन ए होता है। अगर लेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस में भी इंक्रीमेंट ही होगा, ये तो पक्का है। तो इसीलिए डिक्रीमेंट वाले तो केस गलत ही हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो अपॉन एल अपॉन ए होता है। देखो वायर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द वायर वी बराबर एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड लेंथ ऑफ द वायर। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला और लेंथ ऑफ द वायर, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। ये अगर वायर को हम स्ट्रेच भी करेंगे ना तो वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन सेम। वॉल्यूम कैसा रहेगा रिमेन सेम। स्ट्रेच करोगे तब भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेच करने से वायर का मास में कोई चेंज नहीं आएगा और डेंसिटी में भी चेंज नहीं आएगा, और डेंसिटी और मास सेम तो वॉल्यूम भी सेम। तो स्ट्रेच करने से उसका मास में और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा भाई, इसीलिए वॉल्यूम रिमेन सेम। और वॉल्यूम सेम तो यहां से आप ए निकाल लो बेटा, तो ए इज इक्वल टू निकालेंगे तो वॉल्यूम ओवर एल, और ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आर बराबर रो एल और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। वी और एल कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो एल स्क्वायर। रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा स्ट्रेच करने से, रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेच करने से इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आर प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल में एल स्क्वायर हो गया। अब इसको आप परसेंटेज एरर वाले कंसेप्ट से कर सकते हो। परसेंटेज एरर आपको आता हो कि एक्स बराबर जैसे ए स्क्वेयर है, बी है, ऐसे तो लिखते थे हम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर एरर ऑफ मेजरमेंट वाले से डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 पावर जो होती थी वो आगे आ जाती थी टू, और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसकी पावर 1 दिखा रहे हैं इसीलिए 1, ऐसे लिखते थे हम। तो ऐसे इसको लिख लो, क्योंकि रो और वी में कोई चेंज है नहीं तो उसमें ये चेंज आ ही नहीं रहा। जैसे ये यहाँ पर चेंज लिख रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज है ना, तो चेंज रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम में तो कांस्टेंट है, तो इसमें कोई एरर नहीं होगा कांस्टेंट टर्म में। तो यहाँ पर लिखें तो डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इंटू 2, आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो। ये एरर ऑफ मेजरमेंट के कंसेप्ट से किया है मैंने ये वाला, लेकिन ये जो कंसेप्ट लगा सकते हैं वो 5% तक ही लगा सकते हैं। जैसे यहाँ लेंथ में परसेंटेज इंक्रीमेंट रखा है 0.1%, तो ये 5% तक होता ना तब हम इसे अप्लाई कर सकते थे। 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो अपने इस तरह से नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम इस वाले को, परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस इसको लिख सकते हो आप बराबर 2, और ये हमें दे रखा है लेंथ में कितना इंक्रीजिंग दे रखा था 1%, तो 0.1%, तो 0.2% रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो गया सी, है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।